जोधपुर से खबर है, फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। केके खंडेलवाल को हटाया मुख्यमंत्री। दौरे के दौरान ड्यूटी से लाखों की राशि के साथ एसीबी द्वारा पकड़ा गया था केके खंडेलवाल, लेकिन खबर चलने के बाद बदले गए ऑर्डर। देवस्थान विभाग के निरीक्षक पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई हुई है। रवि कटारा हमारे सहयोगी भरतपुर से फोनलाइन पर है। रवि, सबसे पहले तो ये पूरा मामला समझाइएगा और उसके बाद इस कार्रवाई को बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वजनलाल शर्मा, वो 11 तारीख को भरतपुर का उनका दौरा प्रस्तावित है। कल उनके आने का कार्यक्रम, उसके दौरे को लेकर जो जिला कलेक्टर हैं अमित यादव, उनके तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी। कई जो अधिकारी हैं उनको बारी बारी के जो अलग अलग काम सौंपे गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई कि जो केके खंडेलवाल है, जिनके पास से 3,60,000 रुपए की राशि, बड़ी राशि को पकड़ा गया है। एसीबी के द्वारा जब उनको वो जयपुर लेकर जा रहे थे तो उनको पकड़ा गया, तो कोई संतुष्ट जवाब वो नहीं दे पाए, जिसके बाद एसीबी ने उनको पकड़ा है। उन्हीं अधिकारी के खंडेलवाल को अभी तक रजा की तरफ से एपीओ नहीं किया गया, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब कार्रवाई नहीं करने के बाद जब मुख्यमंत्री भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं तो उसी अधिकारी को उनके दौरे में लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जब मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ऐसे एक विवादित अधिकारी को कैसे लगाया गया। हालांकि जब फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को चलाया तो उसके बाद जिला कलेक्टर की तरफ से एक नया ऑर्डर निकाला गया है और पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जो निरीक्षक हैं देवस्थान विभाग के, उनको अब ड्यूटी पे द्वारा लगाया गया है। रवि, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को जो जिम्मेदारी दी गई है उनके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जो है देवस्थान विभाग में निरीक्षक हैं, उनके जो सहायक आयुक्त हैं केके खंडेलवाल, जिनको एसीबी के द्वारा पकड़ा गया था, तो उनकी तरफ गए, उनके स्थान पर पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लंबा समय होने के बाद जो केके खंडेलवाल हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि विभाग की तरफ से भी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। तो एक चक्का का विषय इसलिए है कि भरतपुर में जो अधिकारी 6 साल से भरतपुर में कार्यरत है, कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, उस सरकार में वो यहाँ भरतपुर रहा और बड़ी राशि के साथ उसको पकड़ा गया। तो एक बड़ी बात ये सामने निकल के आई, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद उसी अधिकारी को लगा दिया जाता है। तो ये जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, रवि बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कार्रवाई बड़ी है, फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। केके खंडेलवाल को हटाया मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ड्यूटी से, जिस तरीके से उनके पास राशि बरामद हुई थी, एसीबी का ट्रैप हुआ था और ये कार्रवाई बेहद अहम आगे